आज है 1st of December। यू कैन सी आई एम वेयरिंग अ रेड बैच। तो यहाँ पे मैंने एक लाल रंग का रिबन बांधा हुआ है और ये है एड्स अवेयरनेस के लिए। 1st December इज सेलिब्रेट एंटी। यू टेल मी, इजंट इट एक्वायर्ड? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज होना चाहिए ना, एक्वायर्ड, इट्स एंटी। चलो ठीक है, सो लेट स्टार्ट। देखिए आज का कोटेशन है, वॉट एवर यू आर, वन सेकेंड, वॉट एवर यू आर बी द बेस्ट वन। आप कुछ भी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आप डिफेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन यू शुड टेक केयर दैट यू शुड बी द बेस्ट वन, ठीक है। वॉट एवर यू आर बी द बेस्ट वन, मतलब आपको किसी भी चीज में इंटरेस्ट है, यू आर प्लेइंग टेबल टेनिस, यू आर प्लेइंग बैडमिंटन, या आप सिर्फ एक स्टूडेंट की तरह प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो क्यों ना कोशिश करें कि हम लोग जो है बेस्ट प्रिपरेशन रखें, है ना। कि लास्ट टाइम ठीक है, आई हैव गिवन वन CDS, आई हैव गॉन टू SSB, मैं SSB में जा चुका हूँ, मैंने CDS दिया हुआ है, तो क्यों ना हम लोग ये कोशिश करें कि लास्ट टाइम जो भी कुछ किया था उससे बेटर हो सके, है ना। तो यहाँ पे नाउ द क्लास बिगन, यस क्लास आ गई है। मैम कौन सी क्लास चल रही है? ये चल रही है अड्डा डिफेंस में करंट अफेयर्स की क्लास, जो कि SSC JEE का भी एग्जाम आ रहा है, उसके लिए भी बहुत रेलेवेंट है। सो डोंट वेस्ट द टाइम, लेट स्टार्ट। एंड आई हैव गिवन यू द फर्स्ट आंसर। पहला क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा क्विक क्वेश्चन है, ठीक है, आई वॉन्ट कि आप लोग क्विकली इसका आंसर दें। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो ये उत्तर प्रदेश का कितनावा हवाई अड्डा है? ये जो एयरपोर्ट है, हिंदी में इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलती हूँ ना, क्योंकि देखो अभी आप लोग का SSB आ रहा है, तो वहां पे कोशिश करें ये कि डिफेंस में थोड़ा इंग्लिश वर्ड को ज्यादा यूज करें, थोड़ा ज्यादा ग्रामेटिकली आप लोग करेक्ट हो, थोड़ा ज्यादा फ्लुएंसी इंक्रीज करें। 8M 8 तो है ही, 8 तो है ही। 1 का पहला रजत का आंसर आ गया है D, ठीक है। लकी का आंसर आ गया है B, एंड वॉट एल्स, और बाकी लोग क्या बताएंगे, B है या D है, चौथा है या पांचवा है? मैम नो इंग्लिश, क्यों नो इंग्लिश? अच्छा ये क्वेश्चन का इंग्लिश ये है कि नोएडा एयरपोर्ट इज इन उत्तर प्रदेश, देन इज इट द 4th एयरपोर्ट, 5th एयरपोर्ट, 3rd एयरपोर्ट या 6th एयरपोर्ट, ठीक है। कितने बजे क्लास होती है? रोज 8 बजे क्लास हो जाएगी आप लोगों की, आज थोड़ा रीशेड्यूल हो गया पर ठीक है, 8 बजे क्लास हो जाएगी। प्रतीक चौरसिया का आंसर है D। D और B में बहुत सारे कंफ्यूजन है, देखिए द आंसर इज पांचवा, ठीक है। लखनऊ में है, वाराणसी में है, जेवार जो कि नोएडा में है यहाँ पे है, खुशीनगर जहां पे गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था वहां पे भी है, और कहां पे है एयरपोर्ट इन UP, ये आप लोग बताएं। और थोड़ा क्विकली हम लोग करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। मूडीज के अकॉर्डिंग ये जो वित्त वर्ष है, द फाइनेंस ईयर 2021 से 2022, ये मूडीज के अकॉर्डिंग भारत का GDP जो है वो कितना रहेगा? हाय चंद्र प्रकाश, पूजा सिंह राजपूत, वेरी गुड मॉर्निंग। श्रद्धा का आंसर आ रहा है, प्रतीक चौरसिया का आंसर आ रहा है। गाइस थोड़ा और एनर्जाइज हो और जल्दी जल्दी आंसर दे। तो देखिए मूडीज के अकॉर्डिंग जो है उसका आंसर है 9.3। मूडीज एक एजेंसी है, जैसे कि ऐसा नहीं कि उसका मूड है तो उसने 9.3 दे दिया, ठीक है। मूडीज इज जस्ट एन एजेंसी। इसमें क्या होता है कि वो लोग एस्टिमेट करते हैं टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बेटर करने के लिए वहां पे हो रहा है। टेलीग्राम लिंक मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। 9.3 इज द आंसर। मिथिलेश 7.6 नहीं, 9.3 है। थोड़ा क्विक करते हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। टेल मी द आंसर जल्दी से। केंद्रीय मंत्रिमंडल हिंदी में है, सिर्फ 10 क्वेश्चन हिंदी में, बाकी फिर से दोनों लैंग्वेजेस में, ठीक है। हिंदी आप लोग ज्यादा करते हैं, तो मैंने सोचा कि शुरू में कुछ क्वेश्चन जो है हिंदी में डालूं। आफ्टर 2 PM आपकी कोई क्लास नहीं है क्या? आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे, ठीक है। वंस आई टेल यू, यहाँ पे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना की अवधि को बढ़ाया गया है, इसकी अवधि हो गई है। यहाँ पे आप देखें, ये है मार्च 2022, ठीक है, इसकी अवधि होगी मार्च 2022। ये सब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, थोड़ा जल्दी करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा देश 2021 में
तेरहवे असीम, ठीक है, ASEM शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। तो आप बताइए ये तेरहवा जो ASEM है इसका फुल फॉर्म क्या है? दिस हैज बीन टोल्ड इन योर क्लास, ये आपको क्लास में बताया जा चुका है। आप स्कूल जाते हैं? अच्छा हाँ, तो फिर आप अड्डा स्कूल पे आ जाएं ज्योग्राफी पढ़ने के लिए। मार्च 2022, ठीक है मिथिलेश, योर आंसर इज राइट। एंड नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट आंसर? Guys, these questions has been discussed. I don't want to waste time on these. ठीक है, तो ये कंबोडिया है। असीम, ASEM का फुल फॉर्म आप बताएं कमेंट सेक्शन में जल्दी से। ASEM, what is the full form of this? This has been told in your class. इसको क्लास में बताया जा चुका है। The next thing is पंद्रहवा। C is correct. Yes, C is correct. एशिया यूरोप करके कुछ है। अच्छा, करके कुछ है एशिया यूरोप करके क्या है ये आप बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो दोस्ती है, ठीक है, ये एक्सरसाइज दोस्ती है। दोस्ती जो है हम लोग किस किस देश के साथ कर रहे हैं? पहले ये हम लोग सिर्फ मालदीव्स के साथ करते थे, बाद में श्रीलंका भी ऐड हुआ। ये कुछ नया नहीं है, 1991 से ये होते आ रहा है। दिस इज नथिंग न्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सरकार ने वेतन दर सूचकांक, वेतन दर सूचकांक जो है WRI के आधार पे आधार वर्ष में बदलाव किया है। नए आधार वर्ष क्या है? जो नया आधार वर्ष है वो क्या है? What is going on? अच्छा, for हिंदी, okay. Only the starting 10 questions are in हिंदी, then you'll get the questions in English, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप आंसर बताएं। सो द आंसर इज 2016। और यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन दो चीज का फुल फॉर्म, WPI का फुल फॉर्म बताएं और CPI का फुल फॉर्म बताएं। WPI एंड CPI, व्हाट इज WPI, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WPI, सॉरी WPI एंड CPI, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दीज टू? द नेक्स्ट क्विक क्वेश्चन रिविजन इज, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो मैंने काफी बार आपको बता चुका है, सेशंस में मैंने काफी बार आपको बताया है कि संविधान कब मनाया जाता है। तो ये है 26 नवंबर को मनाया जाता है भारत का संविधान दिवस, है ना। और ये अनाउंस है कि ये मत सोचेगा कि 1949 में संविधान बन के तैयार हुआ, तो 1949 से संविधान दिवस मनाया जा रहा है, ये 2015 से संविधान दिवस मनाया जा रहा है। भारत का संविधान दिवस जो है वो 2015 से बनाया जा रहा है, 1949 से नहीं मनाया जा रहा है। यस, द प्रिंस का आंसर बहुत सही आ रहा है। आकाश नंदी, आपका भी आंसर आ रहा है, पहले 1963-65 था, बिल्कुल बात सही है। होलसेल प्राइस इंडेक्स, मिथिलेश बता रहे हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स, वेरी गुड। एंड व्हाट इज CPI? CPI, और भारत सरकार जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो किस जगह से काउंट करती है? वो WPI से काउंट करती है या CPI से काउंट करती है? होल सेल है, होल प्राइस इंडेक्स नहीं, होल सेल, ठीक है। माई नेम, नाम आपको पता चलेगा जल्दी। चले, द नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर इज, ये है दिल्ली, ठीक है। तो WCDM, ये जो है विश्व कांग्रेस दिवस जो हम लोग मना रहे हैं, तो ये इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? ये दिल्ली में हो रहा है, ठीक है, न्यू दिल्ली में हो रहा है। क्विक रैपिड रिविजन्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आई वांट द आंसर, हरी अप, तुरंत से आप लोग आंसर बताएं जल्दी से इस क्वेश्चन का। रीड द क्वेश्चन, टेल मी द आंसर क्विकली। यहाँ पे मैं थोड़ा इंग्लिश ज्यादा यूज कर रही हूँ, आई नो दैट, लेकिन उसका रीजन ये है कि आप लोग का, जैसे आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिफेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो जब आप डिफेंस का प्रिपरेशन करते हैं तो आपको क्या करना होता है, उसके लिए SSB में जाना पड़ता है, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें SSB में जाना पड़ता है ना। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इट इज नॉट स्टाफ कमीशन, ठीक है, यहाँ पे आप स्टाफ बनने नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं। तो जब आप इंडिया जैसे देश में एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो हिंदी तो आनी ही चाहिए, खैर दैट इज वन थिंग, लेकिन बहुत सारे साउथ इंडियंस हैं जिनको हिंदी नहीं आती उतनी अच्छे से, तमिल मलयालम वगैरह, तो द वन लैंग्वेज जो आपको इंटरनेशनली कनेक्ट करेगा वो क्या हो जाएगा, वो इंग्लिश हो जाएगा।
तो उसको आपको अपना लैंग्वेज बनाना पड़ेगा, सारे ऑफिसर्स जो हैं आपसे इंग्लिश में कनेक्ट करेंगे। तो क्यों ना हम लोग बिल्कुल फाउंडेशन से जब तैयारी कर रहे हैं रिटन का, तो ही इंग्लिश को थोड़ा सा और प्रमोट करके पढ़े, है ना? यस। सो इसका आंसर क्विक रिविजन में है एडीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ये जो ASEM शिखर सम्मेलन, भारत के प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? Who will represent India in ASEM 13th summit जो ये हो रहा है? हिंदी अनिवार्य है, बिल्कुल अनिवार्य है, लेकिन डिफेंस के लिए, फॉर डिफेंस इंग्लिश इज मैंडेटरी, ठीक है? इन्फ्लेशन इज डिसाइडेड थ्रू रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। No, no, that inflation is not decided through repo rate and reverse repo rate जो है वो inflation को observe करने में help करता है। मतलब अगर ज़्यादा पैसा का flow हो रहा है economy में, तो क्या होगा कि उसमें पैसा का flow होना बंद कम करने के लिए repo rate को बढ़ाया जाता है, and inverse vice versa with reverse repo rate, ठीक है? That I'll explain in the economic section. Yes. तो भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो वाइस प्रेसिडेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर हरियप। थोड़ा क्विक रिवीजन है, थोड़ा आप लोग भी क्विक करें। आई वांट टू कंप्लीट दिस इन 10 मिनट्स। ये जो क्विक रिवीजन का सेशन है इसको जल्दी से कंप्लीट करना है। इसका आंसर क्या होगा हरियप? सो द आंसर इज, ये आपके सामने है, नाथ गोस्वामी जी, B.N. गोस्वामी। हु इज B.N. गोस्वामी? कैन यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन? कुछ भी जानते हैं आप लोग इस हिस्टोरियन के बारे में? हिस्टोरियन है, उनका बुक है आपके सामने, द बुक इज इन फ्रंट ऑफ यू, एंड टेल मी समथिंग एल्स अबाउट इफ यू हैव हर्ड इन दिस इन न्यूज, कुछ और अगर आप लोगों ने सुना होगा तो। नहीं नहीं नहीं, ये आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय दूध दिवस, ये जो दूध दिवस है, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा मिशन फ्लड। मिशन फ्लड क्या होता है कि दूध का जो प्रोडक्शन होता है उसको और इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया, जैसे कि काऊ है या फिर बफेलो है, तो यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए दूध दिवस मनाया जाता है। तो ये बताएं कि ये जो है ये किसके, मतलब जयंती के तहत हम लोग मना रहे हैं 26 नवंबर को? इंग्लिश जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स, ठीक है? वेट 5 मिनट्स भी बहुत ज्यादा है, सॉरी। सो द आंसर इज कोडियन, ठीक है, वर्गीस कोडियन के, वर्गीस कोडियन को याद करके हम लोग 26 नवंबर को दूध दिवस मनाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, यहाँ पे एक ऑब्विचुअरी का क्वेश्चन है, निधन हो गया है। प्रिंस का आंसर आ रहा है, अंकुश का आंसर आ रहा है, पवन का आंसर आ रहा है। गाइस देखिए, जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए ना, तो उसको एग्जाम की तरह ट्रीट करें। क्वेश्चन आपके सामने है, आपको आंसर फटाक से सोचना है, कमेंट में आंसर देना है। जैसे विपुल बता रहे हैं, पवन बता रहे हैं, द प्रिंस बता रहे हैं, अंकुश बता रहे हैं, स्वप्निल बता रहे हैं, और मिथिलेश भी बता रहे हैं, ठीक है? ठीक है, B.N. गोस्वामी इज एन आर्ट हिस्टोरियन, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट। आप लोगों के NCERT के बुक में लिखा होगा कहीं। तो ये है दक्षिण कोरिया, ठीक है? यस। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में, साउथ कोरिया। रजत का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। लकी का भी आंसर आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय तल मजदूरी पर विशेष समूह के प्रमुख का नाम बताइए। तो इनका नाम है SP मुखर्जी। इनका नाम क्या है? SP मुखर्जी। दिस इज अ रेयर क्वेश्चन, आपको बस याद कर लेना है, ठीक है? फॉर द ईयर 2023, फॉर द ईयर 2023 भारत के लिए GDP विकास दर का अनुमान क्या है, और ये किसके अनुसार है? मूडीज के अनुसार है। तो इसका आंसर आपको पता है, कमेंट सेक्शन में 7.9 है इसका आंसर। नाउ द आंसर, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट्स विद हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। तो क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, देखें क्वेश्चन है, हु हैज बीन नेम्ड एज द वर्ड ऑफ, विच हैज बीन नेम्ड एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2021 बाय कोलिन डिक्शनरी, बाय कोलिन्स डिक्शनरी रिसेंटली। तो किस वर्ड को 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर बताया गया है कोलिन्स डिक्शनरी के अनुसार? व्हाट इज द आंसर?
द आंसर इज NFT. नाउ व्हाट इज NFT? NFT क्या है? तो ये आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं. ये NFT जो है ये एक्रोनेम है. एक्रोनेम का मतलब क्या होता है? इसका कुछ फुल फॉर्म होगा. ये किस चीज के लिए ये है? ये है फंजिबल टोकन्स के लिए. ठीक है, क्या है ये? फंजिबल टोकन्स के लिए NFT जो है ये कोलिन डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर है. अकॉर्डिंग टू कोलिन डिक्शनरी, NFTs आर डिफाइंड एज अ यूनिक डिजिटल सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड ऑन ब्लॉकचेन. यूनिक डिजिटल सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड ऑन ब्लॉकचेन used to record the ownership of the artwork or collectible assets. यानी कि blockchain technology, आपको पता है कि blockchain technology आ रहा है, जिससे आप लोग cryptocurrency वगैरह भी जो use होता है वो इसी technology के according होता है. तो आपसे exam में पूछा जाएगा cryptocurrency often seen in news. ठीक है, तो वो किस technology से use होता है cryptocurrency? तो आपको क्या बोलना है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, राइट? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यू हैव टू से. और आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि फेसबुक के जो क्रिप्टो करेंसी है उसका नाम था लिब्रा, अब इस क्रिप्टो करेंसी का नाम क्या रखा गया है? और ये जो है पब्लिश होता है, ठीक है, ग्लासगो का है. कोलिन्स डिक्शनरी कहाँ का है? ग्लासगो. ग्लासगो कहाँ पे है? अभी अभी मीटिंग हुई है ग्लासगो में, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं जल्दी से. 2018 का जो था वो था नारी शक्ति. ये ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर था नारी शक्ति. 2019 का ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर था संविधान, था कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी संविधान. और हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 का था सेल्फ रिलायंस, एक्चुअली वर्ड था आत्मनिर्भर. अब तो बैन हो गया क्रिप्टो करेंसी, बैन हो गया है. अच्छा, RBI भी अपनी क्रिप्टो करेंसी ला रही है. वही तो, अब तो और इंक्रीज हुआ है. डीम, ठीक है, डीम. वेरी गुड श्रद्धा, योर आंसर इज राइट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे आप लोग. थोड़ा आई एम वेटिंग कि आप लोग जल्दी जल्दी आंसर देना स्टार्ट करें. ग्लासगो आयरलैंड में. अच्छा गाइज, आप लोग रिविजन नहीं कर रहे क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो बताई जा चुकी है, बट स्टिल यू आर नॉट रिवाइजिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट साइबर तहसील विल बी फॉर्म्ड. पहला साइबर तहसील जो है वो भारत में कहाँ बनेगा? आपको पता है कि जो पूरा कंट्री है दैट इज डिवाइडेड इंटू मेनी स्टेट्स, बहुत सारे राज्यों में डिवाइडेड है. राज्य जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है. डिस्ट्रिक्ट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको और इजिली हैंडल करने के लिए ये सारे डिवाइडेड हैं तहसील में, है ना? कहीं तहसील में है, कहीं कुछ और है. जो भी आपका मुगल का पीरियड है ना, जैसे कि यूपी बिहार वाला एरिया जो था, तो वहां पे ज्यादातर तहसीलदार बैठते हैं. तो ये बताएं पहला जो साइबर तहसील है वो कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा मध्य प्रदेश में. ठीक है, मध्य प्रदेश का जो सरकार है उसने कहा है कि साइबर तहसील जो है ये बनने वाला है मध्य प्रदेश में. ठीक है, दिस इज ओनली द न्यूज, आपको बस ये ध्यान रखना है कि साइबर तहसील यानी कि ये सारा चीज जो है वो ई करने वाला है. हर चीज में ई लगता है ना, ई. व्हाट इज ई? मतलब कि इसको इलेक्ट्रॉनिक करने वाले है, नेट से हो जाएगा और ये बहुत ईजी हो जाएगा. जैसे जो जमीन का डिस्प्यूट होता है कि मेरा प्रॉपर्टी, उसका प्रॉपर्टी, पड़ोसी का प्रॉपर्टी, उसको हड़पना है, ये सब चीजें नहीं होंगी. सब कुछ जो है वो नेट पे अवेलेबल रहेगा. द नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है. हरी अप, रीड इट. मेरा BPSC का एग्जाम आ रहा है, सुनो. प्रैक्टिस हो आ रहा है, सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. यस, मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट UPI बेस्ड कैशलेस पार्किंग. तो ये है दिल्ली मेट्रो. देखिए दिल्ली मेट्रो क्या कर रहा है कि आप जनरली यहाँ पे क्या होता है दिल्ली की का कि सारे चीजें जो है वो दूर दूर है. मान लो कोई रह रहा है ईस्ट में, उसका ऑफिस है साउथ में, तो वो क्या करते हैं कि वो मेट्रो में, ईस्ट मेट्रो में अपना कार पार्क करते हैं, उसके बाद वहां से वो मेट्रो पकड़ते हैं, फिर साउथ आते हैं, फिर कार जो है पार्क किया हुआ है वापस जाते टाइम फिर घर चले जाते हैं. तो उनको पार्किंग करनी होती है. अब रोज रोज वो टोकन लेंगे और ये सब तो नहीं करेंगे, तो ये टोटल चीज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से कैशलेस कर दिया गया है, UPI बेस कर दिया गया है, और ये दिल्ली मेट्रो ने किया है. गांधीनगर गुजरात में बनेगा फर्स्ट मेरी टाइम आर्बिट्रेशन सेंटर. वॉट इज आर्बिट्रेशन? इसका मतलब क्या होता है? वॉट इज आर्बिट्रेशन? सेंटर विल बी एस्टैब्लिश इन गांधीनगर गुजरात. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है वो
डिफेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी इंग्लिश अच्छी है, तो आप बताएं कि जो आर्बिट्रेशन है इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्बिट्रेशन? क्या किसी चीज को सुलझाने का बात होता है? वो मध्यस्थता जो करवाना होता है, यानी कि बीच में हर चीजों को सॉल्व करके, जैसे आपके घर में आप और बहन लड़ते हैं या भाई लड़ते हैं, तो मम्मी आके आर्बिट्रेट करती है ना, चीजों को सॉल्व कराती है। नागपुर में फ्री पार्किंग होती है। ओके, श्रद्धा से एक इंफॉर्मेशन आ रहा है कि नागपुर में फ्री पार्किंग रहती है मेट्रो स्टेशन पे। वेरी गुड, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। हम लोग भी नागपुर शिफ्ट कर जाते हैं। सो ये आप देख रहे हैं, फिर फर्स्ट फ्लोटिंग टनल, ठीक है, फर्स्ट फ्लोटिंग टनल एक्यूरियम जो है यहाँ पे, क्या कहाँ पे एस्टैब्लिश हो रहा है? ये बैंगलोर में एस्टैब्लिश हो रहा है, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट माइनिंग स्कूल, देखिए जितना भी फर्स्ट है मैंने एक जगह डाल दिया, आपको रिविजन करने में ईजी होगा। माइनिंग स्कूल जो है वो बेलाड़ी में हो रहा है। अब माइनिंग स्कूल क्या है, जैसे कि आप लोग इंस्टीट्यूट वगैरह सुनते होंगे कि ये इंस्टीट्यूट जो है वो पेट्रोलियम के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, कि जैसे आई एस एम धनबाद जो है शुरू शुरू में, अब तो वो आई आई टी धनबाद हो गया है, लेकिन वो शुरू शुरू में किस चीज के लिए, पेट्रोलियम वगैरह के लिए बहुत फेमस था वो जगह, मतलब वो इंस्टीट्यूट। तो वैसे ही माइनिंग के लिए फेमस है बेलाड़ी में, क्योंकि बेलाड़ी इज वेरी फेमस फॉर आयरन ओर्स, है ना, लोहा आयस के लिए बेलाड़ी काफी फेमस है। तो ये जो है ये बैंगलोर कर्नाटका में है, ठीक है, हाँ बैंगलोर के पास है कर्नाटका में। अच्छा, इवन इन बैंगलोर इट इज फ्री, ठीक है। दीक्षित इज टेलिंग कि सिर्फ मैडम दिल्ली में ही लिया जा रहा है पैसा, हमारा तो बिल्कुल फ्री है, बैंगलोर में भी फ्री है, नागपुर में भी फ्री है। बढ़िया बढ़िया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टो गेमिंग गार्डन हैज बीन इनॉग्रेटेड? देखिए क्या हो रहा है ना कि हम लोग ये चाइना और ये जो कोविड वगैरह आया है, तो आपको भी पता है कि हम चाह रहे हैं कि चाइना का जो अब टोटल सिस्टम है कि यहाँ पे हम लोग ट्रेड सरप्लस हो रहे हैं, ट्रेड डेफिसिट हो रहे हैं, चाइना ट्रेड सरप्लस हो रहा है। ट्रेड सरप्लस और डेफिसिट क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, बस लिख रही हो तो इंडिया बन गया, हाँ, और ये है यूएसए, ठीक है, इंडिया यूएसए और एक और कंट्री आप ले ले चाइना। तो हम लोग यूएसए में एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट वहां से चीजें कम मंगवाते हैं, और चाइना में क्या होता है, हम लोग एक्सपोर्ट तो ना के बड़ा बहुत कम कर रहे हैं और इंपोर्ट बहुत ज्यादा करवा रहे हैं, यानी कि वहां से चीजें ज्यादा आ रही है। तो यहाँ पे हम क्या चले जाएंगे, यहाँ पे हम डेफिसिट में चले जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग ट्रेड डेफिसिट में चले जाएंगे, और यूएस के साथ क्या होगा, हम लोग ट्रेड सरप्लस में चले जाएंगे, ठीक है। ज्योग्राफी कहाँ से पढ़े, मैं बता रही हूँ। तो ये है क्रिप्टो गेमिंग। हाँ, तो ये सब मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि पबजी वगैरह जितना आप यूज करेंगे, ठीक है, पबजी यूज कर रहे हैं, चाइनीज ऐप यूज कर रहे हैं, बीच में तो बैन ही हो गया है अब, तो टिकटॉक वगैरह आप यूज कर रहे हैं, तो इसका रेवेन्यू कलेक्शन कहाँ पे जाएगा, ये तो चाइना में जाएगा। तो लोगों को यूज करना आप मना नहीं कर सकते, लेकिन इफ यू प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव, यानी कि अगर आप बोले कि ठीक है इस चीज को आप यूज करें, लेकिन आप इंडियन फॉर्म में यूज करें, जैसे कि इंडिया में पबजी का आ गया था फौजी, तो उसको अगर और प्रमोट किया जाए, और यहाँ पे अगर इतने सारे गेमर्स हैं, तो क्यों ना एक क्रिप्टो गेमिंग गार्डन बना दिया जाए, कहाँ पे, उत्तराखंड में, ठीक है, क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, देखिए ये एक प्राइम मिनिस्टर है जो कि न्यू प्राइम मिनिस्टर बने, एक्चुअली ये मतलब री इलेक्टेड है, फिर से इनको चुना गया है। तो ये बताएं ये कहाँ के, किस कंट्री के, दिस आई हैव टोल्ड यू इन द कमेंट सेक्शन, मतलब करंट अफेयर्स बिफोर ऑल्सो, ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, ठीक है। एयरप्लेन मोड की जगह साइकिल मोड आ गया है, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ठीक है, सीपीआई का फुल फॉर्म जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। कुवैत इज द आंसर, द नेक्स्ट, ये कुवैत आंसर है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। ये देखिए कुवैत का कैपिटल क्या है, तो कुवैत का कैपिटल जो है वो है कुवैत सिटी, कुवैत का जो करेंसी है वो है दिनार, और यहाँ पे जो डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो है, क्योंकि ये नए बने हैं, अपॉइंटमेंट जो है इनका नया हुआ है, तो ये है एनवी रेड्डी। द नेक्स्ट थिंग इज डीजी ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन, जितना भी आपका एयरप्लेन है वगैरह वो सब इनके अंदर आता है, और इनका नाम है नासिर कमाल, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में, ठीक है, रिसेंटली, सब कुछ रिसेंटली हो रहा है क्योंकि रिसेंटली होगा ना, करंट अफेयर्स है तो रिसेंटली होगा, तो हाल ही में हु हैज बीन सिलेक्टेड एज इंडियाज कैंडिडेट फॉर एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ इंटरपोल रिसेंटली? तो ये बताएं
इसका आंसर जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन में कि इंडियाज कैंडिडेट फॉर एग्जीक्यूटिव कमिटी जो है वो इंटरपोल के लिए कौन बने हैं रिसेंटली. ओके, आई एम गेटिंग द आंसर्स गाइस. आप लोग थोड़ा आंसर जल्दी दे तो हम लोग ज्यादा क्वेश्चंस डिस्कस कर पाएंगे. तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में दिख रहा है. ये है प्रवीण सिन्हा जी. ठीक है, ये प्रवीण सिन्हा वाज इलेक्टेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एशिया. ठीक है, तो ये एशिया को क्या करेंगे, ये एशिया को रिप्रेजेंट करेंगे. कहां पे रिप्रेजेंट करे एशिया को, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर फेसिंग अ टफ चैलेंज फ्रॉम चाइना. तो बेसिकली यहाँ पे सीबीआई का बात हो रहा है, तो सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर बन गए हैं प्रवीण सिन्हा. इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि डिफेंस में ये क्वेश्चन आ सकता है दैट हु हैज बीन अ स्पेशल डायरेक्टर ऑफ सीबीआई. तो इनका नाम है प्रवीण सिन्हा. नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंटरपोल जो है वो कब स्टैब्लिश हुआ है. इंटरपोल एक इंटरनेशनल बॉडी है, तो ये स्टैब्लिश कब हुआ है, ये सारे कंट्रीज को किस चीज के अगेंस्ट एक यूनाइट करता है, एकजुट करता है. तो ये एकजुट करता है सारे कंट्रीज को क्राइम और क्रिमिनल्स के अगेंस्ट. ठीक है, नंबर ऑफ कंट्रीज इन इंटरपोल जो है वो है 195. टोटल कितने देश हैं इंटरपोल में, तो ये है 195. इसका हेडक्वार्टर लियोन में है जो कि फ्रांस में है, और इसके प्रेसिडेंट किम जोंग यांग है. ठीक है, वो वाले किम जोंग यून नहीं है, डोंट थिंक कि वो वाले किम जोंग है, फिर तो क्या ही होगा देश का, पूरे दुनिया का. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है गाइज, हरी अप, हाउ मेनी आंसर्स. आप जितने जल्दी जल्दी आंसर्स देंगे, वी कैन डिस्कस दोज मेनी क्वेश्चंस, उतने ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. देखिए, हिंदी और इंग्लिश का यहाँ पे वो मत बनाए. ठीक है, डिफेंस, द लैंग्वेज ऑफ डिफेंस इज इंग्लिश. थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ना. अभी आप देखिए टैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर वैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वर्ड असेसमेंट टेस्ट, थीमेटिक टेस्ट, तो ये सब में किस चीज में आप लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं ना. वर्ड्स मिलता है आपको, ऑनेस्टी वर्ड मिला, कुछ भी, केक, मान लो हमारे टाइम में मिला था आइसक्रीम, व्हाट सेंटेंस यू कैन फॉर्म बाय द वर्ड आइसक्रीम. तो इस तरह से आपका जो है इंग्लिश का बहुत टेस्ट होगा, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे ही प्रिपेयर कर ले. राइट, विच यूनियन मिनिस्टर हैज रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिनिंग डेटा एंड एनालिटिक्स. तो ये बताएं कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है. देखिए, जितना भी लॉन्च, उसको ध्यान रखें, आ सकता है वंस यू रीड अबाउट इट. तो इट इज, कौन है ये इंडिपेंडेंट चार्ज है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है. और ये किस इनॉग्रेटेड प्रोजेक्ट का क्या नाम है, स्वदेश. ठीक है, इसको पूछा जा सकता है. तो प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट स्वदेश, रिमेंबर दिस. यस, वेरी गुड. आई कैन सी द की कमेंट सेक्शन में काफी लोग बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं. एंड आई हैव आल्सो ब्रॉट अ डिफेंस स्पेशल करंट अफेयर्स, जहां पे डिफेंस का जितना अपडेट्स है वी विल डिस्कस एवरी डे. 50 questions आर इनफ आई गेस. देखिए, एफकैट में मैंने देखा है कि एफकैट जैसे अभी रिसेंटली आने वाला है, तो यहाँ पे हो सकता है कि बहुत ज्यादा वो टाइप के करंट ना आए जो कि आउटर वर्ल्ड में हो रहा है अदर देन डिफेंस. लेकिन डिफेंस रिलेटेड कि कौन सा मिसाइल आया है, या फिर कौन सा मान लीजिए यहाँ पे लॉन्च हो रहा है कुछ भी मिसाइल वगैरह, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है. एंड वी विल डिस्कस अबाउट इट, एटलीस्ट 50 questions इन अ वीक भी अगर डिस्कस करते हैं, 50 questions अ वीक, तो वो उससे भी काम चल जाएगा. राइट, यस. तो यहाँ पे आप बताएं इसका आंसर क्या है. फर्स्ट वुमेन स्पीकर बनी है, कहाँ की बनी है ये, तो ये गुजरात की बनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फॉर्मेशन कब हुआ है इसका, तो ये है 1 मई 1960, कैपिटल है गांधीनगर. गुजरात का फॉर्मेशन कब हुआ है, ठीक है, तो 1960 है, गांधीनगर इसका है, लार्जेस्ट सिटी अहमदाबाद है, गवर्नर है आचार्य देव विराट, और सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल. यहाँ पे फेमस टेंपल है सोमनाथ टेंपल, जो कि अभी उसको रिजुविनेट किया जा रहा है, और द्वारकाधीश टेंपल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जन केयर जो है ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम है, तो ये बताएं आप लोग कि ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, हु हैज लॉन्च जन केयर. अभी हेल्थ को लेके काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुई है, सो यू शुड कीप दैट इन माइंड कि हेल्थ को लेके क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई है. CAPF भी आ रहा है, आपको मिल सकता है एक अच्छा सा एसे जो कि बिल्कुल हेल्थ से रिलेटेड है ना, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड एसेज कुड बी आस्क्ड. तो इसका आंसर है, द आंसर इज जितेंद्र सिंह, क्योंकि यही है इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी.
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड रेबीज डे. कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है दैट इज रेबीज. तो इसका बताएं थीम क्या है, वर्ल्ड रेबीज डे का थीम क्या है. व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड रेबीज डे. ठीक है, हरी अप टेल मी द आंसर ऑफ दिस. तो वर्ल्ड रेबीज डे जो है इसका थीम है रेबीज फैक्ट्स नॉट फियर. यानी कि बहुत सारी ऐसी बीमारी है, जैसे कि आज एड्स दिवस है, तो यहाँ पे इंडिया में क्या होता है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि लोगों को उनके बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, लोग जानते नहीं उसके बारे में, एंड दे क्रिएटेड टैबू इन देयर माइंड कि अच्छा ये है तो फिर, जैसे बोलते हैं ना कि अगर कुत्ते ने किसी को काटा और वो कुत्ता मर गया तो वो आदमी भी मर जाएगा, ये भी होता है. तो ये सब चीज जो है ये मिथ है, ठीक है, सुपरस्टिशियस है. इसके बारे में जो भी फैक्ट्स है उसके बारे में अवेयरनेस लाना है, और ये जो फियर है टोटल इसको एलिमिनेट करना है. बहुत सारे ऐसे सिटीज है भारत में जो कि रेबीज फ्री हो चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर प्रेसिडेंट ऑफ इंटरपोल. ये अभी अभी मैंने पूछा है आपसे, तो आई वॉन्ट दिस आंसर इन द कमेंट सेक्शन. थोड़ा जल्दी बताएं, आई विल रीड द नेम्स ऑफ दो स्टूडेंट. जो भी स्टूडेंट मुझे इसका आंसर बताएंगे उनका नाम मैं जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में पढ़ूंगी. ये जल्दी से बताएं आप. इंटरपोल के जो प्रेसिडेंट हैं वो अभी अभी बने हैं, न्यू प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है. तो न्यू प्रेसिडेंट इनका नाम बताएं. वो जो थे वो ओल्ड हो गए थे, ठीक है, वेरी गुड. तो इनका नाम आप देख सकते हैं, अहमद नासिर अल रैशी. और ये कहां के अहमद आईसी अल नासिर, ये है यूएई के, ठीक है. तो ये इंटरपोल जिसका हेडक्वार्टर अभी मैंने बताया लियोन फ्रांस में है, लेकिन ये जो अल राशी जी हैं ये बन गए हैं न्यू प्रेसिडेंट, ठीक है, न्यू प्रेसिडेंट है. यस यस यस, वेरी गुड. मिथिलेश का आंसर आ गया था, ठीक है. रजत का आंसर आ गया था, निंजा का भी आंसर आ गया था, स्वप्निल जी का भी आंसर आ गया है. मिथिलेश वेरी गुड वेरी गुड, आप लोग ध्यान दे रहे हैं. आईएनएस वेला के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है. आईएनएस वेला के बारे में आप क्वेश्चन है. अब देखो ये क्वेश्चन जो है वो सिर्फ इंग्लिश में, तो मैं हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर देती हूँ. आईएनएस वेला हैज बीन कमीशन्ड एट विच प्लेस बाय द इंडियन नेवी. तो इंडियन नेवी द्वारा आईएनएस वेला, प्लीज आप लोग डिफेंस एस्पिरेंट्स थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करें, ठीक है. आईएनएस वेला के बारे में है, ये बताइए कहाँ पे कमीशन हुआ है, हु हैज बीन कमीशन्ड वेयर, कहाँ पे कमीशन हुआ है. तो इट हैज बीन कमीशन्ड ओवर, कहां पे ये कमीशन हुआ है, ये डॉकयार्ड जो कि इन मुंबई है, ठीक है, नेवल डॉकयार्ड जो कि इन मुंबई है. और ये 25 नवंबर को आईएनएस वेला को कमीशन किया गया है. ये एक स्कॉर्पियन 6 सबमरीन में एक है, ठीक है. आईएनएस वेला इज फोर्थ इन द सीरीज ऑफ 6 सबमरीन, पनडुब्बी टोटल 6 है, उसमें से एक जो चौथी वाली उसका नाम है आईएनएस वेला. और यहाँ पे कालवेरी क्लास सबमरीन जो है ये टोटल प्रोजेक्ट 75 के तहत आएगी. सो व्हाट आर द फीडर पॉइंट्स ओवर है, द फीडर पॉइंट्स आर दैट देयर आर 6 सबमरीन स्कॉर्पियन, ठीक है. यहाँ पे टोटल जो स्कॉर्पियन टाइप की सबमरीन है वो टोटल है 6, जो कि जिसमें से चौथी है आईएनएस वेला, और ये आ रही है प्रोजेक्ट 75, ठीक है. हाँ, स्कॉर्पियन पनडुब्बी, वेरी गुड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओवर हेयर, ये डीआरडीओ के बारे में है. टॉर्पेडो क्या होता है, व्हाट इज टॉर्पेडो, टॉर्पेडो, ठीक है, ये क्या होता है टॉर्पेडो. जो पानी के अंदर मिसाइल होता है ना, जैसे कि जो सबमरीन है वो पानी के अंदर मिसाइल डालेगी. दूसरी गाजी अटैक आप लोग देखे हैं मूवी, तो गाजी अटैक में हम लोग पाकिस्तानी सबमरीन को अटैक कर रहे थे, तो जिस चीज से अटैक कर रहे थे वो टॉर्पेडो है, ठीक है, दैट इज टॉर्पेडो. व्हाट इज द नेम ऑफ द हेवी वेट टॉर्पेडो फ्लैग बाय डीआरडीओ एंड वॉज डिलीवर्ड टू इंडियन नेवी. तो ऑब्वियसली नेवी को ही डिलीवर्ड होगी ना, आकाश में थोड़ी टॉर्पेडो छोड़ेंगे. तो ये इंडियन नेवी को डिलीवर्ड हुई है बाय डीआरडीओ. आप बताएं कि ये जो टॉर्पेडो है इसका नाम क्या है. तो इसका नाम जो है ये है, देखिए यही है टॉर्पेडो, वरुणास्त्र, ठीक है. वरुण जो है वो हमारे भगवान है, आपको पता है पानी मतलब समुद्र के भगवान होते हैं वरुण. तो ये बन गया है वरुणास्त्र जो है वो टॉर्पेडो बन गया है फॉर इंडियन नेवी, अंडरस्टूड. द चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ, इन्होंने ये टॉर्पेडो को फ्लैग ऑफ किया है फॉर इंडियन नेवी, अंडरस्टूड. कोई डाउट है इसमें, एनी प्रॉब्लम, इसको ध्यान रखेंगे. और देखिए ये जो डिलीवर किया गया है ये सेरेमनी कहां पे हुआ है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो कि विशाखापट्टनम यूनिट में है, क्लियर है.
भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो कि विशाखापट्टनम यूनिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, क्वेश्चन नंबर जो है थोड़ा सा आप लोग उसको इग्नोर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज ब्रह्मोस। ठीक है, ब्रह्मोस कहाँ से आया है? हमारा ब्रह्मपुत्र और रशिया का मॉस्को रिवर से आया है ब्रह्मोस। ठीक है, तो ब्रह्मोस एरोस्पेस इज अ ज्वाइंट वेंचर। ये जो है ज्वाइंट वेंचर है, दो अलग अलग संगठन मिलके इसको कर रहे हैं। तो आप बताइए जो ज्वाइंट वेंचर है ये सेटअप इंडियाज, ये सेटअप रशियाज, इनका देखिए ये जो रशिया में एक जगह है जिसका नाम काफी ज्यादा आप पढ़ सकते हैं, टफ है, इसका नाम क्या होगा? ठीक है, तो एंड विच कंट्री, तो ये रशिया का एक कंपनी है जिसका नाम है माशिनोस्तोरियनिया। ठीक है, इसका नाम कभी याद नहीं करना है, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, इंडिया की कंपनी का नाम पूछा जाएगा। तो आप बताएं कि ये जो ये ब्रह्मोस एरोस्पेस वेंचर है ये भारत के कौन से कंपनी का है? तो ये है डीआरडीओ द्वारा। ठीक है, जितने भी जनरली होते हैं ब्रह्मोस वगैरह वो डीआरडीओ द्वारा ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, नेवी डे इज सेलिब्रेटेड। नेवी डे जो है ये सेलिब्रेट हो रहा है विच ईच ईयर टू कॉमरेट विच ऑपरेशन। नेवी डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, आप लोग पहले कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि नेवी डे जो है हम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, किस दिन सेलिब्रेट होता है नेवी डे, और ये कौन से ऑपरेशन को फिर से याद करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है नेवी डे? द ऑपरेशन इज ऑपरेशन ट्राइडेंट, ट्राइडेंट यानी त्रिशूल। ठीक है, तो ऑपरेशन ट्राइडेंट को याद करने के लिए हम लोग वापस से सेलिब्रेट करते हैं नेवी डे, और नेवी डे है 4th of December को एवरी ईयर नेवी डे सेलिब्रेटेड। और ये ट्राइडेंट ऑपरेशन जिसका मतलब होता है त्रिशूल, इसको याद करते हैं। ये एक ऑफेंसिव मिशन है अंडरटेकन बाय इंडियन नेवी पाकिस्तान पोर्ट ऑफ कराची 1971 ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तान वॉर। आपको इस बात की जानकारी है कि बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने पहली बार वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल किया। 1911 में वो स्क्रैप आउट हो गया, वो ख़त्म हो गया, लेकिन वापस से जब हमारा पार्टीशन हुआ, इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, तो बांग्लादेश बिकेम ईस्ट पाकिस्तान। लेकिन अभी भी बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के अंदर था, यानी कि वेस्ट वाले पाकिस्तान के वो अंदर था। तो जब ये ईस्ट पाकिस्तान बना उसको इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल है उसको आज़ादी दिलाने में, और दैट इज ऑपरेशन ट्राइडेंट जो कि नेवी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है 4th of December को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज AGTAGS, व्हाट इज AGTAGS? एडवांस स्टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम। ये बताएं कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन का है? INS राजपूत डिफीटेड PNS गाजी, वेरी गुड। आप लोग देख लीजिएगा आज मूवी गाजी अटैक का। ठीक है, आर्मी डे सेलिब्रेटेड ऑन 15 January, वेरी गुड मनु कुमार सिंह, एक्सेलेंट एक्सेलेंट गाइस, दीज इनपुट्स आर वेरी वैल्यूएबल। ठीक है मनु या फिर अंकुश, ये सारे लोग, दीक्षित, मिथिलेश, सारे लोग काफी आउटपुट दे रहे हैं, आफ्ताब जी बता रहे हैं, तो ये सब बहुत वैल्यूएबल है। 8 October इज एयरफोर्स डे, वेरी गुड। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, सी दीज आर फ्यू ऑफ द डिफेंस स्पेशल क्वेश्चंस। ये ऐसा नहीं है कि डिफेंस का एग्जाम में ही आएंगे, बाकी एग्जाम्स में भी आते हैं, फिर वो लोग सोचते हैं कि डिफेंस वाला भी पढ़ लेना चाहिए था। तो इसका आंसर जो है वो क्या है? इसका आंसर है डीआरडीओ। देखिए जनरली ये सारे जो सिस्टम है वो डीआरडीओ द्वारा ही बनाए जाते हैं, ये आप देख सकते हैं, इसका पिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट टाइप ऑफ वेसल इज द इंडियन कोस्ट गार्ड गाइडेड शिप जो है, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सुजीत। तो एक सुजीत जो है वो न्यूज में आ रहा है, ये किस टाइप का वेसल है? लेकिन उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्रिजेड वेसल क्या होता है और कॉर्वेटे वेसल जो है वो क्या होता है। सो दिस विल बी योर होमवर्क, ये आप मुझे बताएंगे, अभी बताओ या फिर कल बताओ, रिसर्च करके बताइए तो ज्यादा सही रहेगा। फ्रिजेट जो है वो मैं बता देती हूँ, ये बहुत हल्का फुल्का रहता है, फ्रिजेट इज वेरी हल्का फुल्का सा, और अभी अभी दिया भी गया है चाइना द्वारा पाकिस्तान को एक फ्रिजेट। ठीक है, फ्रिजेट जो है वो दिया गया है। तो आप बताएं कि सुजीत है हमारा, तो सुजीत किस टाइप का कोस्ट, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, कोस्ट गार्ड शिप है। देखो इससे यही समझ में आ रहा है ना कि कोस्ट गार्ड शिप है तो उससे क्या होता है,
कोस्ट गार्ड शिप करता क्या है, जनरली सर्वेलेंस करता है, पेट्रोलिंग करता है, ठीक है, और इंडियन नेवी को हेल्प करता है. तो जनरली इसको क्या चाहिए, हल्का फुल्का सा चाहिए कि आराम से वो अपना ट्रैवल कर ले, सब कुछ अच्छे से चेक कर ले. तो ये जो कोस्ट गार्ड शिप है ये ऑफ शोर पेट्रोल वेसल है, ठीक है, ऑफ शोर पेट्रोल वेसल है, यानी कि शोर के ऑफ शोर में रहेगा, काइंड ऑफ अ फ्रिजेट. लेकिन इफ द ऑप्शन कम्स कि फ्रिजेट है या ऑफ शोर है, तो आप मारेंगे ऑफ शोर पेट्रोल वेसल से, ठीक है. यस, फ्रिजेट फ्रिजेट बता रहे हैं, फ्रिजेट इज अ काइंड ऑफ फ्रिजेट. लेकिन क्या होता है, यूपीएससी एग्जाम लेती है सीडीएस वगैरह की, तो बोलती है कि विच इज द नियरेस्ट बेस्ट ऑप्शन, है ना, कि ठीक है आंसर जो है हो सकता है चारों सही है, लेकिन विच इज द नियरेस्ट बेस्ट ऑप्शन, तो आप उसमें ऑफ शोर वेसल्स ही डालिएगा. हाइपरसोनिक विंड टनल, HWT, हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी जो है, ये बताएं किस सिटी में होगा. इंडियाज फर्स्ट एडवांस हाइपरसोनिक विंड टनल किस सिटी का है? हाँ, तुशील इन, तुशील जो है वो इंडिया का फ्रिजेट है. वेरी गुड, हैदराबाद आंसर आ रहा है. रजत का अच्छा चल रहा है करंट अफेयर्स. रजत यू आर डूइंग गुड. गाइज आप लोग भी थोड़ा और मेहनत करें करंट अफेयर्स में. क्वेश्चन आते ही रीड करते ही, जैसे एग्जाम होता है ना कि कुछ सेकंड का टाइम मिलता है, खासकर ऑनलाइन एग्जाम में आपको जल्दी जल्दी पहले क्वेश्चन सॉल्व करने दे. ऐसा नहीं होता है कि पहले आप पलट के देखेंगे सारा क्वेश्चंस, एक ही बार में आपको क्वेश्चन देखना है, एकदम 100% जो उसका आंसर हो सकता है उसको टिक करना है और फिर आगे बढ़ना है. यस, सो ये जो टेस्ट फैसिलिटी है ये कहां पे है? ये है हैदराबाद में, ये आप देख सकते हैं. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स जो है ये हैदराबाद में है, यहीं पे ये टेस्ट फैसिलिटी है HWT. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू. MRSAM, MRSAM जो है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल. देखिए अग्नि 1 बनाने के बाद अग्नि 2 बना, अग्नि 2 बनाने के बाद फिर अग्नि प्राइम बना. तो अगर अग्नि 2 इज सो गुड, हम लोग बहुत पढ़े हैं अग्नि 2 के बारे में, अग्नि प्राइम तो आपसे पूछा भी गया है सीडीएस के एग्जाम में, तो अग्नि प्राइम का जरूरत क्या पड़ा? अरे ऐसा जरूरी थोड़ी है कि दुश्मन जो है दूर से ही एकदम अटैक करेगा, पास से भी तो अटैक कर सकता है, तो पास के लिए भी तो कुछ होना चाहिए. तो मीडियम रेंज, शॉर्ट रेंज, ये जरूरी नहीं है एवरी टाइम इट इज लॉन्ग रेंज ओनली, ठीक है, मीडियम रेंज शॉर्ट रेंज जो है ये सब भी होना चाहिए. तो ये टेस्ट फायर किया गया है रिसेंटली इसराइल द्वारा, ठीक है. जितना भी UAVs आएगा ना, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ड्रोन्स वगैरह, इसमें द कंट्री विच इज एक्सीलिंग, जो कि कंट्री जो बहुत अच्छा कर रहा है, दैट इज इसराइल. और यहाँ पे भी देखें इसराइल आंसर है. DRDO ने इसराइल के साथ यहाँ पे जॉइंट ये प्रोजेक्ट बनाया है किस चीज के लिए? MRSAM, मीडियम रेंज सरफेस सरफेस टू एयर मिसाइल. सरफेस टू एयर मिसाइल मतलब कि पहले ये लैंड पे खड़ा रहेगा, उसके बाद ये हवा में चला जाएगा. सरफेस टू सरफेस भी होता है, यानी कि वो लैंड पे खड़ा हो गया, लैंड पे ही फिर से वो अटैक करेगा, राइट? यस. द नेक्स्ट थिंग इज स्काइरोस. व्हाट इज स्काइरोस? स्काइरोस के बारे में बताएं. डिफेंस एस्पिरेंट्स गाइस प्लीज बक अप. द जोश इज वेरी लो, योर जोश इज वेरी लो. बहुत आराम आराम से आंसर दे रहे हैं आप लोग. जहां पे जो सबसे ज्यादा होना चाहिए वहां पे आपका लो है. देखिए बैंक में एस्पिरेंट्स होते हैं, फटाफट आंसर देते हैं. SSC में तो आप लोग में से ही है वो लोग. आप लोग यहाँ पे डिफेंस में आंसर दे जल्दी जल्दी. ये स्काइरोस जो है वो फ्रांस का है, ठीक है. तो स्काइरोस के बारे में आप देख सकते हैं, काफी जानकारी यहाँ पे अवेलेबल है. द राफेल फाइटर जेट्स ऑफ इंडिया एंड फ्रांस आर सेट आउट वॉर गेम्स नेम स्काइरोस. ये कहां पे होगा? ये जोधपुर राजस्थान में होगा. कहां पे होगा? जोधपुर राजस्थान में होगा. क्लियर है? रशिया. यस, रशिया इज द आंसर. रशिया इज द आंसर. ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड गाइज, गोइंग ग्रेट. बहुत सारे रिविजन्स का जरूरत है, रिविजन क्लासेस लेनी पड़ेंगी. सारे करंट अफेयर्स की रिविजन क्लासेस लेनी पड़ेंगी. हाय सर. अच्छा दीक्षित जो है यहाँ पे हाय सर बोल रहे हैं. यहाँ पे हाय सर है. LCA तेजस, ये किसके द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है? LCA तेजस जो है वो किसके द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है? देखो हिंदी में तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है. ट्राई, थोड़ा सा ट्राई,
विराट कोहली का देखते हैं इंटरव्यू, बोलते हैं कि मैं 50 पुशअप्स मारता हूँ, फिर सोचता हूँ कि अच्छा चलो आज दो और, दो और, दो और, तो ऐसे दो और पांच और करते करते क्या होता है, फिर वो 100 पुशअप्स पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे भी आप ट्राई करें कि आप इसको थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़े, है ना। तो इंग्लिश में पढ़ के आप बताएं कि LCA तेजस जो है वो डिजाइन किया गया है HAL द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा। वेरी गुड, वेरी गुड answers I'm getting. The next question is, next question, बहुत बार बोल रहे हैं. Yes, question in front of you, answer in front of, should be in front of me. जल्दी से question और answer जल्दी से जल्दी आप बताएं. अच्छा, कुछ important announcements. पहले तो आए, मतलब ये जो है पहला अभी बोर्ड पे क्लास आपको मिल रहा है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं मैडम बोर्ड पे क्लास कराएं, बोर्ड पे क्लास कराएं, तो देखो बोर्ड पे क्लास हो रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, क्लास को थोड़ा सा लाइक करना है, ठीक है, प्रेस द ब्लू और ब्लैक थंब, नहीं प्रेस द व्हाइट और ब्लैक थंब ब्लू, ठीक है, उसको थोड़ा सा आप लाइक कर दें, थोड़ा सा आप शेयर कर दें टेलीग्राम, इट इज करंट अफेयर्स बाई कीर्ति पांडे, ठीक है, करंट अफेयर्स बाय कीर्ति पांडे। यहाँ पे मैं अपना नाम का स्पेलिंग लिख देती हूँ, फिर आप लोग पूछते हैं मैम आपका नाम क्या है। यस, KIRTIPANDEY, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेलीग्राम ग्रुप, और यहाँ पे आप क्या करें, थोड़ा शेयर कर दे सेशन को। शेयर करने से क्या होगा, बहुत सारे बच्चों को सेशन के बारे में पता चलेगा। अभी तो पता ही नहीं है कि डिफेंस के लिए भी कुछ स्पेशल चीज मिल रहा है आप लोगों को, डिफेंस, ताकि हम लोग का एजेंडा है आप लोग ज्यादा से ज्यादा डिफेंस एस्पिरेंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम क्वालिफाई करे। एफ कैट आ चुका है, CAPF कभी भी आ सकता है, एंड दिस इज द बेस्ट जॉब। ये जो जॉब है, ये जॉब तो है ही नहीं खैर, लेकिन दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर दिस कंट्री, दैट इज बी अ डिफेंस पर्सनल। तो हम लोग यहाँ पे इसको ट्राई कर रहे हैं। मेरा नाम फेमस है, अच्छा ठीक है। तो देखें, ये जो है ये एक बाइक एम्बुलेंस है, बाइक एम्बुलेंस, बाइक बेस्ड एम्बुलेंस, जिसका नाम है रक्षित, ठीक है। रक्षित हिंदी में आप पढ़ेंगे तो रक्षित है, वरना आप रक्षिता भी पढ़ सकते हैं। हैज बीन डेवलप्ड बाय, ये INMAS द्वारा इसको डेवलप किया गया है। एंड व्हाट इज INMAS का फुल फॉर्म, और साथ ही साथ इसको DRDO द्वारा डेवलप किया गया है, इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस, ठीक है, और DRDO द्वारा इसको डेवलप किया गया है। इट हैज बीन हैंडेड ओवर टू CRPF, इसको CRPF को दे दिया गया डेवलप करके। और ये किस चीज के लिए है, क्विकर मेडिकल सपोर्ट। मान ले किसी को भी जरूरत होता है तो एम्बुलेंस में उसको डाल के जाना, फिर ट्रैफिक वगैरह को अवॉइड करने से, मतलब अवॉइड करने के लिए यहाँ पे रक्षित को बनाया गया है। क्विकर मेडिकल सपोर्ट टू दोज लिविंग इन नैरो पॉपुलर स्ट्रीट्स, ठीक है, तो बहुत छोटे छोटे सड़कें भी होती है ना जहाँ पे प्रॉपर एम्बुलेंस नहीं जा पाता है, तो उनके लिए क्विकर सपोर्ट है ये, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा फैसिलिटी भी है बैठने का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज DRDO's इंटीग्रेटेड वेपन, DRDO's इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम हैज बीन डिजाइंड, ये जो सेंटर हैज बीन डिजाइंड एंड इनॉग्रेटेड इन विच सिटी, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन जो कि आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, व्हाट इज दिस, होमवर्क का क्वेश्चन है ये, और ये मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में, एवरीवन विल टेल मी इसका आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है गाइस। सो होपफुली आपको सेशन पसंद आया होगा, आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, और एंड इफ यू वांट टू गेट एनरोल्ड, अगर आपको अड्डा के महापैक में जाना है, टेस्ट सीरीज में जाना है, या किसी भी कोर्स में जाना है, तो आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा, एंड दैट कोड इज Y332, ये कोड है, इसका इस्तेमाल करना है, और फिर आप किसी भी पैक में एनरोल हो सकते हैं, चाहे वो बैंक का हो, SSC का हो, इंजीनियर्स का हो, या डिफेंस का हो। गाइज, होपफुली यू लाइक द सेशन, एंड वील कंटिन्यू दिस। रोज सुबह 8 बजे आपको करंट का